फूल का कमल खिला दो, ये संसार के हे स्वामी, करता प्रणाम प्रभु को गुरुदेव को नमामि। उल्का 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 कमल खिला दो, उल्का कमल खिला दो संसार के हे स्वामी, करता प्रणाम प्रभु को गुरुदेव को नमामि। करता प्रणाम प्रभु को गुरुदेव को नमामि। करता ये गुरुवर श्री चरणं शरणं नमः। आशीष दो विधाता, आशीष दो विधाता संसार के हे स्वामी, करता प्रणाम प्रभु को गुरुदेव को नमामि। करता अहम तो आम बंदे पूज प्रणाम स्वीकार करें। दसों दिशाओं में आप विजय प्राप्त करने वाले आप है श्रीमान वीरेंद्र बाबा जी राहक वाले, इनकी तरफ से 21 पुष्प मुद्राएं प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज दशरथ। दसों दिशाओं में विजय प्राप्त करने वाले महिपाल, आज तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया है। हम देख रहे हैं कि न्यूनता कुछ नहीं है, थी एक समय जब कोई संतान नहीं थी, तब तुम्हारा कथन था उर्का कमल, तो कमल तो खिल गया, फिर आज आए हमारे पास प्रणाम किया है। उत्तर में आशीर्वाद है राजन, परवाह नहीं मिले ये जग के वैभव, तुम्हें अब परवाह नहीं है कुछ मिले कि न मिले, सब कुछ मिल चुका है। परवाह नहीं मिले जग के वैभव, पर जीवन में सुख सारा रहे कभी राम न चाहिए,
इन विभूतियों को भूषित तू गृह द्वारा रहे, अरमान यही निज पूर्वजों के उज्जवल वंश सितारा रहे। हम रहे या ना रहे जग में, पर देश स्वतंत्र तुम्हारा रहे। महामंगल हो लेकिन आज, हे प्रभु राजन, आपने कहा कि हृदय के कमल को खिलाने की बात कर रहे हो राजा दशरथ। उस समय हमने तुम्हारे हृदय के कमल को खिला दिया है जब तुम्हारे पुत्र नहीं थे, तुम्हें पुत्र प्राप्त हो गए। लेकिन प्रभु आप ही ने हमें सिखाया है, क्यों नहीं, कामनाओं की पूर्ति से कामना का समन नहीं होता, कामना की उत्पत्ति होती है। एक मिले दो की इच्छा, कामनाएं क्या बताएं, एक जाएं एक आए। तो अगर कामनाओं का आना जाना बना रहेगा तो आत्मा रूपी कमल खिल नहीं सकता, क्योंकि सिद्धांत ये कहता है शरीर इंद्रियम सत्वात्मा। जब तक इंद्रियों में विजय प्राप्त नहीं की जाती, कामनाओं का सिलसिला ये समाप्त नहीं होगा, तब तक सत्वात्मा सच्ची आत्मा का दर्शन नहीं होगा। यथार्थ सत्य है राजन, हमें आभास हो रहा है कि कुछ ना कुछ कामनाओं ने तुम्हारे पुनः जन्म लिया है, क्योंकि जब भी तुम मेरे पास आए हो और अकेले आए हो तब तब कुछ ना कुछ कारण अवश्य निकला है। तब आए थे अकेले आए थे, तब गिलानी थी, लेकिन आज गिलानी नहीं नजर आ रही, आज तो चेहरे में प्रसन्नता नजर आ रही है। व्यक्त करो राजन आने का अभिप्राय, जानना चाहते हैं। हमारी ओर दर्शन करें महाराज और विचार करें, क्या ये शरीर अभी भी राजकार के लायक शेष बचा है। हे देव उतरता जाता है, क्या राजन, सर से यह प्रेत जवानी का, देखिए सूखता ये जाता है, यह अपना खेत जवानी का। नगर में निकलता हूं, जिस समय मुझसे मेरे शत्रु मिलते हैं, तो मैं यह देखता हूं कि राम से वो ऐसे प्रेम करते हैं जैसे राम को मैं चाहता हूं। जिस ओर मेरी दृष्टि जाती है नगर में, देखता हूं जो हमारे मित्र हैं वो राम को ऐसे स्नेह करते हैं मानो जैसे राम से आप प्रेम करते हैं। मेरी बिगड़ी को बनाने वाले आप ही थे, मैंने यह अनुभव कर लिया। जय गुरु चरणो रेणु सिर धरही, तेजन सकल विभव बस करही। जो भी व्यक्ति अपने गुरु के चरणों की धूल को मस्तक पर धारण करता है वो मानो समस्त वैभव को अपने वश में कर लेता है। ये कोई बनावटी नहीं है। मोहि समो यहा अनुभयबू न दूजे, सब पायबू रज पावन पूजे। मैंने सब कुछ आपकी कृपा से प्राप्त किया है, बस अब अभिलाष एक मन मोरे। मेरे मन में केवल एक ही अभिलाषा है, अब अभिलाष एक मन मोरे, पूछिए नाथ अनुग्रह तोरे।
मेरी ये मनोकामना आपके अनुग्रह के बिना पूर्ण भी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं जानता हूं इस कामना के पूर्ण हो जाने के बाद मुझे मरने और जीने की चिंता समाप्त हो जाएगी। फिर मुझे कोई दुख नहीं होगा मरने और जीने में। फिर न सोच तन रहें की जाए, फिर यह भी चिंता नहीं रहेगी कि यह शरीर इस संसार में रहेगी। राजेंद्र, मैंने जानना चाह आने का अभिप्राय, उत्तर मिला। कहे भुवाल सुने मुन नायक, भय राम सब विधि सब लायक। जो हमारा शिष्य बेटा राम है वो सब विधि से सब लायक हो गया है। तुमने अनुभव कई कर लिया, अनुभव भी कर लिया कि सेवक सचु सकल पुरवासी, ये हमार अरमित उदासी, सब ही राम। जिस प्रकार तुम्हें प्यारा है हमें प्यारा है, उसी प्रकार राम सबको प्यारा है। तुमने अनुभव कर लिया, पर तुमने कहा अब अभिलाष एक मन मोरे, हृदय में अभिलाषा ने जन्म लिया है। तो राजन फल अलगामी मैं मन मन अभिलाष तुम्हार, तुम जैसे राजाओं के लिए पुण्यवान पुरुषों के लिए ये कहा गया है। पुण्य पुरुष कहा मही सुखचाई, जो पुण्यवान पुरुष होते हैं उनके लिए ये पृथ्वी सुखों से भरी होती है। जैसे जिम सरता सागर महाजाई, जैसे छोटी छोटी नदियां सागर में समाहित होती हैं, यद्यपि सागर की इच्छा नहीं है कि मुझ में आकर समाहित हो जाए, उसी प्रकार पुण्यवान पुरुष के लिए ये पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। आवश्यकता नहीं है कि तुम्हें कुछ मिले, पर पहले सुख प्राप्त है, क्यों नहीं। जिस प्रकार आप धर्मात्मा तस पुनीत कौशल्या देवी, जैसे आप हैं धर्मात्मा वैसे हमारी बहु कौशल्या भी धर्मात्मा है। एक बात तुमने और कही कि हम चाहते हैं ये शरीर रहे अथवा ना रहे, सोच न रह जा हमें, यानी कहने का भाव हमरे जियत यह हो उछाऊ। तुम अपने जीते जी उत्सव करना चाहते हो, तो राजन सुन पुजा सुभिमुख पछताही, जा सुभजन बिन हे प्रभु। हाँ, मैं अपने मन के उद्गार आपसे कह सकता हूँ? नहीं राजन, कौन सी इच्छा है मुक्त करो। पिछले पुरखों की परहनाथ, अब मुझे तपोवन जाने दे, हो गया राज के योग राम, हो गया राज के योग राम, अब उसको राज चलाने दे, हो गया राज के। बस नाथ राम करिए युवराजू, आपके आदेश की प्रतीक्षा है। बड़े उत्तम विचार है राजन, जो तुमने विचारा है यथार्थ सत्य ही है कि चौथे पण में अपने बेटा को राजा बना दो और भगवान का भजन करो। तुमने कहा बन जाना चाहते हैं? नहीं राजन, तुम जिसके लिए बन जाना चाहते हो वही जिसकी तुम्हें खोज है। भयो तुम्हार तने सुई स्वामी, बन नहीं जाना तुम्हें। हाँ, इच्छा है राजा बनाने की, नीति है, उचित है, क्योंकि राजा बनाना चाहिए। समय ढल चुका तुम्हारे जीवन का, राजा बना दो। हमारा भी कहना है बेग विलंब न करिए, न साजे सकल समाज, सुदन सुमंगल तभी जब राम होए योराज। जय हो आपकी। और आप हैं श्री राकेश सक्सेना जी, आपकी ओर से 21 मुद्राएं महाराज श्री दशरथ जी के चरणों में सादर समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, मुदित महीपति मंदिर आए, महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। और
आप हैं विराग प्रमुख प्रतिनिधि मुस्करा। धीरेन्द्र राजपूत पहाड़ी वाले, इनकी तरफ से ज्ञान पुष्प मुद्राएं प्रदान हो रही हैं। और आप हैं अमित राजपूत टीकर प्रधान, और शिव कुमार नेताजी मोहाना वाले, इनकी तरफ से ज्ञान पुष्प मुद्राएं प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवक सचिव और सुमंत्र जी, महाराज विचार हमारा था गुरुदेव सदन पर राम को युवराज पद दिया जाए, अनुमति मिल गई, वेग विलंब न करी नप साजी, सब समाज सुदन सुमंगल तमही जब राम होई युवराज। लेकिन नियम ये कहता है सामाजिक प्राणी समाज से बंधा होता है, उसे समाज के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसलिए हम राजा होते हुए भी एक एक समाज के व्यक्ति के उस तरीके से सेवा करना चाहते हैं जिस तरह से एक सेवक अपने स्वामी की सेवा करता है। अस्तु उसी विचारधारा से हम भी ये कहेंगे जो पांचे मत लागे नीका करो हरस ही राम ही टीका। अगर ये पांच पंचों को मत अच्छा लग रहा हो तो राम को प्रसन्न मुद्रा में युवराज पद प्रदान कर दिया जाए। जय हो महाराज आपकी। आपने ऐसे कार्य को अपने हृदय में विचारा है कि आज हमारे हृदय के उद्गार कह रहे हैं जिए हुआ मध्यपति बरस करोड़ी, आपकी आयु करोड़ों वर्ष की हो जाए, क्योंकि आपने ऐसे कार्य को विचारा है। कार्य क्या है? जग मंगल भल काज विचारा, और जिसमें संसार का कल्याण हो ऐसे कार्य को करने में विलंब नहीं करना चाहिए। सो वेगिये नाथ न लाइये वारा, हम क्या आपकी यह प्रजा क्या, हमने तो यहां तक देखा है और जाना है कि सबके उर अभिलाष अस कहाय मनाय महेश, आप अछत युवराज पद राम ही देव नरेश। ये सभी भगवान शंकर को अपने हृदय में मनाकर कहते थे कि वो दिन कब होगा जब राजा अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को अयोध्या का युवराज बनाएंगे। आपने ऐसे कार्य को अपने हृदय में विचारा है, हमारी सहमति है। सूरसेन जी, हमने सुना है कि प्रजा से आपका घनिष्ठ संबंध है, हम भी अपनी दृष्टि से देखना चाहते हैं कि आखिर हमारी समाज का प्रत्येक प्राणी राम के युवराज पद का समर्थन कर रहा है। क्यों नहीं महाराज, आज आप लोग अयोध्या की प्रजा है, अगर आप लोग चाहते हैं कि राम जी को जय घोष करेगी, उठाएं अपने हाथ जो राम जी को राजा बनाना चाहते हैं, और जो नहीं बनाना चाहते वो लोग हाथ ना उठाएं। सुमंत जी, ना बनाऊं क्या युवराज? अरे नहीं, लक्षण तो नहीं समझ में आ रहे। कुछ है, कुछ कुछ की आवश्यकता ही नहीं, यहाँ तो सब की आवश्यकता है। हाँ, सब की आवश्यकता। उठाएं अपने दोनों हाथ, बोलिए प्रभु श्री राम चंद्र की। आप उनसे सुपरिचित हो, एक निवेदन मेरी ओर से कहना, तो जिम्मेदार व्यक्ति को जिम्मेदारी देनी चाहिए, अगर दायित्व तो गंभीर है तो राजा का युवराज पद। और आप हैं श्री वीरेंद्र बाबा। देखिए सचिव को भेजा गया, एक बार पुनः सचिव कुलगुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। हर्ष मुनि से कहियो मृदु बानी। आइए सुमंत जी, अकस्मात तुम्हारा भी आना हुआ, अभी तो महाराज आए थे। प्रणाम स्वीकार कर। महामंगल हो तुम्हारा, कैसे आना हुआ? गुरुदेव भगवान, आप तो जानते हैं कि आपके आज्ञा अनुसार हमारे महाराज ने अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को अयोध्या का युवराज बनाना सुनिश्चित किया है। युवराज बनाने में कौन कौन सी वस्तुएं प्रमुख होती हैं, आप हमें बतावें, एकत्र की जाएं या फिर बाहर से भी मंगवाई जाए। महामंत्री सुमंत जी, तुम कई नई मंत्री नहीं हो, तुम बहुत पुराने मंत्री हो, है ना? और भली बात जानते हो कि रातलक में विशेषता किसकी होती है? आनौ सकल सुतीरथ पानी। विशेषता नहीं, तिलक जल से ही किया जाता। बिल्कुल, सभी तीर्थों का जल मंगाया जाए क्योंकि तिलक उसी से होगा। अब बाकी रही सजाने की, तो अयोध्या को भली भांति सजा दो, गलियों में चौके पुरवा दो, आम पताके केला नारियल इत्यादि लगवा दो। और कुछ कहा है? कहा तो बहुत कुछ है, एक निवेदन भी आपके चरणों में भेजा है। व्यक्त करें। आप राम जी के कनक भवन की ओर चले जाएं। युवराज बनने से पूर्व जो नियम संयम करने होते हैं आप श्री राम को बता दो। क्यों नहीं, तुम हमारे आने की खबर दो बेटा राम को, हम जा रहे हैं राम जी के पास। बिल्कुल। हो
करना है वशिष्ठ बुलाए तब नरना है वशिष्ठ बुलाए राम धाम सिख दे तो पठाए राम धाम सिख दे तो पठाए भवन की ओर पधार रहे हैं। हे श्री जानकी जी, श्री गुरुदेव भगवान आपके समीप आ रहे हैं। और आप हैं भाई वीर सिंह जी, व्यासपीठ के सभी कलाकारों के लिए और असेंद्र राजपूत कंट्रेक्शन और रवि राजपूत जी कंधोली से 51 मुद्राएं आपकी ओर से धन्यवाद। वाह महाराज, अहो भाग्य है हमारा जो आज मेरे गुरुदेव भगवान स्वयं चलकर के मेरे गृह तक आए। आज ये मेरा गृह पवित्र हो गया। मेरे महाप्रभु, अगर आप किसी सेवक के द्वारा मुझे अपने आश्रम में बुला लेते तो ये दास स्वयं आपके सामने प्रस्तुत हो जाता, लेकिन आज आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। हे भगवान, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जो प्रभु आप आए विमल दर्श पाए जीवन की सारी सफल साधना में मम ही गगन के सुमन मुस्कुराए। जो प्रभु आप आए विमल दर्श पाए
स्वामी का आगमन समस्त मंगलों का मूल और अमंगलों का विनाश करने वाला होता है। ये देवता सेवक सदन स्वामी आगमन भगवान, मैं जानना चाहता हूं। राघो अस कस तुम ना कहो हंस वंश औतंस, ऐसा भला तुम क्यों ना कहोगे? आपका तो जन्म ही हंस रूपी वंश में हुआ है, ऐसा क्यों नहीं कहोगे? तुम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राघो राम कहा गया है। राघो हम तुम्हारे पास क्यों आए हैं? तुमने कहा किसी सेवक के द्वारा हमें बुला देते, हम चले आते, लेकिन हम स्वयं चले आए हैं। और क्यों आए हैं? उसका कारण है तुम्हारे पिता महाराज दशरथ तुम्हें अयोध्या का राजपाट देना चाहते हैं। ये तारीख निश्चित हो चुकी है, तो इसलिए मेरा कहना है राम करो सब संयम आजू, जीवित कुशल निवाहे काजू। तुम्हें उपवास करना है, पृथ्वी में शयन करना है, ताकि भगवान गणेश इस कार्य की पूर्ति करे। इस हेतु हम तुम्हारे पास आए थे। लेकिन पुत्रवधू सीता कहाँ है? वो कुछ कार्यों में व्यस्त है। अच्छा जी भगवान, तो हम तुम्हारे पिताजी के पास चलना चाहते हैं। जैसी आपकी इच्छा। गुरु सिखते ही राय पहत गयबू, राम हृदय असु विश्व में भयबू। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा मुझे आदेश मिला कि राम तुम्हारे पिताजी तुम्हें अयोध्या का राजा बनाना चाहते हैं। मैं सोचने लगा मेरे पिताजी मुझे अयोध्या का राजा क्यों बनाना चाहते हैं? हम चार भाई हैं, तीन भाइयों को छोड़कर केवल मेरा राज्य अभिषेक, ऐसा क्यों? क्योंकि हम सभी भाई एक साथ जन्मे, लड़कपन में खेल कूद खाना पीना यज्ञोपवीत आदि सभी संस्कार एक साथ हुए। जन्मे एक संग सब भाई, जन्मे एक भोजन सयाना तेरी लड़काई, भोजन सयाना करनो वेधा
जीवन में खेल कूद खाना पीना यज्ञोपवीत आदि सभी संस्कार एक साथ हुए, परंतु इन सभी कार्यों को छोड़कर केवल एक यही कार्य अनुचित होने जा रहा है। मेरे पिताजी मुझे अयोध्या का राजा बनाना चाहते हैं और ये सर्वथा अनुचित है। देखिए संपूर्ण अयोध्या में शोर हो गया कि कल प्रातः काल होते ही राम जी राजा बनाए जा रहे हैं। सकल कहीं कब हुई है काली, ऐसा अयोध्या के लोग कह रहे हैं कि कल का समय कितने जल्दी आ जाए और हमारे श्री राम राजा बन जाए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अयोध्या के बधाओ और राम जी का राज तिलक अच्छा नहीं लग रहा, और वो कौन लोग हैं? वो देवता लोग हैं जो राम जी के राजा बनने से परेशान हैं।